हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। आइए समझते हैं कि किस प्रकार से हम एक बाउचर है जिसका नाम है डेबिट नोट बाउचर, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कई बार, लेकिन आपके सवालों का जवाब देते हुए एक बार फिर से हम आते हैं डेबिट नोट के ऊपर। डेबिट नोट एक ऐसा बाउचर होता है जिसके अंदर आप क्या काम करते हैं, वापसी का काम करते हैं, रिटर्निंग का। इसे हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। अब क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर यूज होता है किस लिए, क्योंकि हम बिजनेस के पर्पज से टैली सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, इस वजह से टैली सॉफ्टवेयर के अंदर डेबिट नोट की एंट्री किस तरीके से पास होगी, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है एक कंपनी क्रिएट करके बताता हूँ, ये डेबिट नोट है यानी परचेज रिटर्न है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ परचेज रिटर्न, ये हमने लिख दिया, एंटर किया और यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, इसी नाम से मैं कंपनी भी बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया, और यहाँ पर आपका स्टेट आएगा, तो स्टेट जरूर डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि स्टेट नहीं डालिएगा तो बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ आ सकती हैं, तो स्टेट जरूर डालिएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से जीएसटी को चालू करना है। तो यहाँ पे जाकर के जीएसटी वाले ऑप्शन को यस करिएगा, यहाँ पर रेगुलर रखिएगा, और यहाँ पर आपका जीएसटी आईएन आएगा, तो जो भी आपका जीएसटी आईएन है उसको दे करके यहाँ पर हम मंथली जीएसटी फाइल करेंगे ये बता दीजिएगा, एंटर करिएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है इसको भी आपको यस करना होता है, तो यहाँ से यस करके, और यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, तो फिलहाल हम स्पेसिफाई करेंगे, और यहाँ पर आपका 8 अंकों का जो HSN कोड है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 8 अंकों का HSN कोड आ गया, एंटर करेंगे, यहाँ पर जो है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करेंगे, टैक्सेबल रखते हुए यहाँ पे 12% का टैक्स हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12% कर देते हैं, तो ये 12% हो गया, एंटर करेंगे और एंटर करके एंटर लास्ट तक करते चले जाएंगे, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो अब हमें क्या काम करना है, सप्लायर द्वारा दिए गए जो भी बिल है उसकी एंट्री अपने यहाँ करनी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, वी बटन प्रेस करके आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है परचेज वाउचर में सीधा आ जाते हैं, F9 प्रेस करके भी आ सकते हैं। तो आपको सप्लायर पार्टी ने एक बिल दिया होगा। टैली को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक चीज और आपको बता देता हूं, जब भी आप सीधा एंट्री पास करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, तो आपके दिमाग में ये बात आती है कि आखिरकार ये सप्लायर और लोकल सप्लायर या होलसेलर सप्लायर ये क्या चीज है। तो देखिए, हम दुकान खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, या शॉपिंग मॉल खोलते हैं, या किसी शॉपिंग मॉल में काम करते हैं, या कहीं भी काम करते हैं, तो वहां पर दो चीजें होती हैं, हम खुद सामान नहीं प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, हम सामान खुद प्रोडक्शन थोड़ी ना करते हैं, हम राइस खुद उगाते नहीं हैं, ठीक है, हम कहीं से परचेस करके लाते हैं, ठीक है। तो हम जब परचेस करके लाएंगे तो जहां से परचेस करके लाएंगे वो हमें एक बिल देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप चिली पाउडर की खेती करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है रिफाइंड ऑयल खुद घर ही पे बनाते हैं आप, ऐसा तो है नहीं। तो आपकी एक शॉप होती है पर्टिकुलर, उस शॉप पर आप होलसेलर से संपर्क करते हैं, तो होलसेलर आपको कुछ मार्जिन पर वो सामान देता है, और एक बिल भी देता है जीएसटी वाला, जिसकी कि आपकी आपको एंट्री करनी होती है अपने यहाँ। किसमें एंट्री करनी होती है, तो ये एंट्री आपको करनी होती है परचेज वाउचर में। तो यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर उस पार्टी का नाम आता है, जबकि हम उधार की परचेजिंग कर रहे हैं। जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे सामान खरीदते खरीदते ये होता है कि वो पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करने लगती है, और टैली में तो बिजनेस में तो ऐसा होता ही है कि आप सामान उधार में ले जाते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर उसका पैसा देते हैं, इतना तो चलता है। तो यहाँ पर उस पार्टी का नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लायर वन लिख देता हूँ, ये हो गया सप्लायर वन। अब ये सप्लायर वन की का ग्रुप क्या होगा, तो यहाँ एस प्रेस करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप होता है उसका, ठीक है। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करवाइएगा, और ये एंटर करके इस तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगा। बाकी अगर ईवे बिल देना चाहते हैं तो इन सबकी डिटेल भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आता है परचेज अकाउंट का लेजर, परचेज अकाउंट कर दीजिएगा, ये ऑब्लिक सी, तो ये हो गया परचेज अकाउंट। तो इसका ग्रुप भी परचेज अकाउंट ही होता है, ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये परचेज अकाउंट हो गया, एंटर करके
और इसको भी एक्सेप्ट करवा लिया। अब सपोज कीजिए आपने बासमती राइस का एक पैकेट मंगवाया, तो ये हो गया बासमती राइस, ठीक है, और एक किलो बासमती राइस की खरीद रेट। अब देखिए यूनिट कैसे बनेगा, ऑल्ट सी कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे क्रिएट दिखाई दे रहा है उस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो ऑल्ट सी कर देते हैं, यहाँ पर इसका सिंबल पूछ रहा है कि चावल बिकेगा तो किस में बिकेगा, तो हम कहते हैं किलो में बिकेगा, केजी कर देते हैं, केजी सिंबल ठीक ही है। इसका फॉर्मल नेम पूछ रहा है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पे किलोग्राम कर देते हैं, और यहाँ पे के प्रेस करते ही यूक्यूसी कोड आ जाता है, तो ये यूक्यूसी कोड आप डाल दीजिए, किलोग्राम कर दीजिए, और यहाँ पे थ्री डेसिमल प्लेसेस थ्री कर देंगे, एंटर करेंगे। आप चाहे तो स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन चलिए फिलहाल ये वीडियो स्टैंडर्ड रेट को लेकर के नहीं है। और यहाँ पर 50 किलो बासमती राइस जो है परचेस किया गया, एक किलो की परचेजिंग रेट पड़ी हमें 60 रुपए किलो, ठीक है, तो यहाँ पे 3000 रुपए आ गए। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे जीएसटी के लेजर लगाने हैं, तो ये सेम स्टेट का मामला है, तो यहाँ पे सी जीएसटी, ठीक है, एंटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप होता है, टैक्सेस से संबंधित जो भी लेजर्स होते हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाते हैं। यहाँ पर आपको जीएसटी भी नजर आएगा, और यहाँ पर सी जीएसटी कर दीजिएगा, क्योंकि सी जीएसटी का ही तो लेजर है, और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग करते हुए आगे बढ़ जाइएगा, तो यहाँ पे जीएसटी भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब सी जीएसटी लगा है तो इसके साथ साथ एस जीएसटी भी लगाएंगे, याद रखिएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, यहाँ पे जीएसटी ही रहेगा, और एस जीएसटी यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ से फिर नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आकर के द गुड्स हैव बीन परचेज कर देंगे, द गुड्स नरेशन डाल देंगे, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, अच्छा खरीदा जा रहा है तो ये उधार में खरीदा जा रहा है, पैसा अभी तत्काल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो इस वजह से क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, ठीक है, यानी उधार में परचेज किया गया। अब जब आप अपने बाहर आइएगा, बाहर आने के लिए आपको एस्केप बटन का यूज करना है, ईएससी का, बाहर आइएगा तो बाहर आने पर आपको दिखाई क्या पड़ेगा, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको एक स्टॉक समरी नाम का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, तो इसके लिए एस प्रेस करना है आपको, और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि आपके पास कितना चावल या जो भी आपने परचेस किया था वो प्रोडक्ट दिखाई पड़ेगा। अच्छा हमने सिर्फ परचेस किया है, अभी हमने सेल नहीं किया है, तो आउटवर्ड में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, देखिए, ठीक है, और यहाँ पर 50 किलो परचेस किया है, कितने रेट का परचेस किया है वो भी दिखाई देगा, ठीक है, तो यानी 50 किलो चावल हमने परचेस किया, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हमें इसे रिटर्न करना पड़ जाए, हो सकता है कि चावल जो है गलती से हमको कोई और चावल लेना था, हमने बासमती ले लिया, ये भी होता है कई बार, तो किसी भी कारण से अगर आपको चावल को रिप्लेस करना पड़े या रिटर्न करना पड़े, तो अब उसकी एंट्री आप अपने यहाँ कैसे करेंगे, दो सवाल होता है, एक तो जो होलसेलर पार्टी, अगर आप होलसेलर पार्टी हैं तो आप अपने यहाँ कैसे करेंगे, और दूसरी चीज कि अगर आप होलसेलर पार्टी नहीं है, लोकल सप्लायर है, तो आप अपने यहाँ एंट्री कैसे पास करेंगे, तो इन चीजों के बारे में ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर वी बटन प्रेस करके आ जाइए वाउचर में, परचेज में तो हरगिज एंट्री पास नहीं होगी, ये भूल जाइएगा, लेकिन यहाँ पर एंट्री पास करने लायक कोई वाउचर भी तो नहीं दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक दिख रहा है F10, ठीक है, तो आपको F10 प्रेस करना है, और F10 प्रेस करते ही आपको दो वाउचर दिखेंगे, एक तो क्रेडिट नोट दिखेगा जिसकी शॉर्टकट की Alt F6 होती है, और एक दिखेगा डेबिट नोट जिसकी की Alt F5 होती है। तो हम तो हैं लोकल सप्लायर, अगर हम होलसेलर सप्लायर होते तो हम क्रेडिट नोट में एंट्री पास कर देते, ठीक है, लेकिन हम तो हैं लोकल सप्लायर, तो यहाँ पर Alt F5 करके हम डेबिट नोट में आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारा डेबिट नोट वाउचर, ठीक है। अब ये सामान किन से परचेस किया गया था, तो ये सप्लायर वन से ही परचेस किया गया था, तो सप्लायर वन का नाम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एंटर करेंगे, अगर आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर याद है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए। यहाँ पर परचेज अकाउंट का ही लेजर आता है, लेकिन कई बार दिखाने के लिए हम यहाँ पर परचेज रिटर्न का भी लेजर लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन चलिए परचेज अकाउंट ही फिलहाल लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए 50 किलो बासमती राइस हमें दिख रहा है, और हमने 50 किलो रिटर्न कर दिया, 50 किलो परचेस किया था और 50 किलो रिटर्न भी कर दिया, ठीक है, आपको रेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसी रेट में परचेस किया गया था, तो रेट अपने आप आ जाएगा। एंटर करिएगा, यहाँ पर आइएगा तो CGST आ जाएगा, और यहाँ पे आइएगा तो SGST आ जाएगा, तो जो भी है उसके साथ साथ आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे द गुड्स हैव बीन रिटर्न्ड, RETURNED, ठीक है, टू सप्लायर
वन ये डाल दिया और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब हमको वापस एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आना है गेटवे ऑफ टैली, टैली की मेन मेन्यू पर, और अब चेक करने की बारी है कि क्या इफेक्ट पड़ा। हमने रिटर्न कर दिया तो अब स्टॉक में कितना दिखा रहा है, पहले तो 50 किलो दिखा रहा था ठीक है, लेकिन अब जब रिटर्न कर दिया तो फिर एस प्रेस करके आते हैं स्टॉक समरी में, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देखिए स्टॉक में क्या है, एक भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो भी था वो हमने रिटर्न कर दिया। तो ये होता है परचेज रिटर्न। और अगर आप होलसेलर सप्लायर हैं तो आप अपने यहाँ क्रेडिट नोट में एंट्री पास करेंगे ठीक है। अगर हम लोकल सप्लायर, जैसे कि हमने अभी एंट्री करके दिखाया, यही एंट्री हमने किस में किया, परचेज रिटर्न में, यानी कि डेबिट नोट वाउचर में एंट्री पास करी। लेकिन अगर आप होलसेलर सप्लायर हैं तो आप अपने यहाँ यही एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में पास करेंगे ठीक है। तो आपके यहाँ वो सामान क्रेडिट हो जाएगा, यानी उतना किलो का बासमती राइस आपके यहाँ दिखाएगा ठीक है। लेकिन हमने तो रिटर्न कर दिया, किसको रिटर्न किया, हमने रिटर्न किया होलसेलर को, तो हम किस वाउचर में एंट्री पास करेंगे, डेबिट नोट वाउचर में। और अगर होलसेलर प्राप्त करेगा तो वो क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री पास करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है। उम्मीद करता हूं इससे काम आपका हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।